उत्तराखंड मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भारी मात्रा में मलबा आया, इस कारण यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भारी मात्रा में मलबा आया, इस कारण यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। अब मौसम खुलने और यात्रा मार्ग पर आए मलबे को साफ करने के बाद यात्रा शुरू होगी। दरअसल मौसम विभाग ने 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी सच भी साबित हो रही है। केदारनाथ धाम में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा को सुबह से रोका गया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। द्वारा 16 और 17 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसको देखते हुए आज सोनप्रयाग से ऊपर की तरफ जाने वाले यात्रियों को दिन में 11 बजे के बाद में रोक दिया गया है। सभी को वेट करने के लिए कहा जा रहा है। मेरी सभी यात्रियों से अपील रहेगी कि जो भी केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, कृपया जहाँ पर है वो सुरक्षित स्थान पर बने रहें। जब मौसम क्लियर हो जाता है उसके बाद ही आगे की यात्रा।